तीनों जन आए गल। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, फिर से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, सुबह हो गई, सुबह का भी 5:30 बज गई है और अभी मेरी माँ उठा दी है। सो मक्का कोड़ने के लिए जा रही हूँ, नींद भी नहीं पूरा हुई, सुबह सुबह जल्दी उठ गए और माँ मेरी खाना बनाएगी यहाँ पे। रात को ही अंडा सिझा दिए थे और रात को मुर्गा बना दी थी मम्मी, तो वही रात वाला अंडा उबाला हुआ ही बनाएगी भी। और मैं जा रही हूँ मक्का कोड़ने के लिए, भाई और पापा चले गए और देखिए ले लिए हैं। नानी के साथ मैं जा रही हूँ, चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, दिखाएंगे। सो फ्रेंड, अब घर से मैं निकल गई और जा रही हूँ बारी, और देखिए माँ गोबर फेंक के जा रहे हैं और मेरा चाचा देखिए सुबह सुबह में दे रहे हैं पाला बकरी लोग को। और देखिए मैं ले ली हूँ मक्का, क्योंकि सब जगह नहीं निकला है, जिस जिस जगह पे नहीं निकला होगा वहीं पे फिर से बो देंगे, क्योंकि रात को थोड़ी थोड़ी बारिश हुई, देख सकते हैं ज़मीन भींगा हुआ है। अभी इसे सुबह सुबह में कोड़ने में अच्छा लगता है, और ना फिर धूप हो जाती है तो पसीना हो जाता है, धूप में कोई काम नहीं करना चाहते हैं। जा रही हूँ, शरीर का थोड़ा सा एक्सरसाइज होगी, मक्का कोड़ूंगी। चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए आप लोग। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम बारी पहुंच गए हैं, देख सकते हैं मैं अभी नानी और मैं आई हूं, और पापा भाई पहले आ गए हैं, देख सकते हैं पूरा कोड़ रहा है। और नानी अपनी बारी में उतर गई है कोड़ने के लिए, और देखिए यहाँ पे पापा और भाई भी कोड़ रहा है। इतना कोड़ा हुआ हो गया और इतना कोड़ेंगे और ऊपर में भी चले जाएंगे कोड़ने के लिए, वो कुआँ वाला में देखिए कैसे कोड़ते हैं। ये घास पूरा बड़ा बड़ा हो गया है, देखिए पूरा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, उसको कोड़ देना है, ऐसे कर देनी है, देखिए कितना बड़ा बड़ा हो गया। चलिए मैं पहुंच गई हूँ, अब मैं भी कोड़ती हूँ और मक्का लेके आ गए हैं। देखिए भारी है हमारे कोड़िया को, चलिए फ्रेंड मैं पहुंच गई बारी, आप लोगों को दिखा दी है। अब मैं कोड़ने जा रही हूँ, कैसे कोड़ते हैं नानी थोड़ा सा वीडियो बनाने देती हूँ। तो फ्रेंड देखिए अभी हम मक्का कोड़ रहे हैं और मेरे नानी कैमरामैन बनी हुई है। बहुत घास हो गल के यार, पनिया मार ले सब, इधर में कमर ढीला हो गया है अपने सामने, जिंदगी में थोड़े ही घाटे ना लगते। सो दोस्तों अभी हम बैठ गए और पापा और भाई चले गए ड्यूटी, और हम थक गए पूरा, देख सकते इतना सा बच्चा हुआ कोड़ने के लिए, और सब कोई अपने अपने बारी में लग गई हैं कोड़ने के लिए। देखिए सब मेरे ही फैमिली में आते हैं, गोतिया में जितने भी है देख सकते हैं, और मेरा इतना बच्चा हुआ कोड़ने के लिए, इतने ही सब पुराने में हमको हालत पंचर हो रहा है। पापा लोग चले गए हैं पूरा पूरा, देख सकते हैं पसीना पसीना, और यहाँ पे ईंट था, सो देखिए ईंट से पैर भी कट गए हैं अंगूठा फ्रेंड, यहाँ पे कट गए हैं, मिट्टी लग गया है पूरा, ब्लड तभी आने लगा है, यहीं पे ईटा है, देखिए ये ईटा से कट गए थे, कोड़ी पूरा चोख रहता है। आज मौसम पूरा बादल बादल किया हुआ, हम तो यही वाला बस पुराएंगे और घर चले जाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगी क्योंकि काफ़ी थकावन होती है, पूरा कोड़ने में ताकत बहुत लगाना पड़ता है, बारिश हुई है ना तो थोड़ा ज़्यादा ही, मतलब अभी कोड़ने में हल्का लग रहा है, और जिधर जिधर पानी का जमाव है उधर पूरा टाइट लगता है एकदम कोड़ने में। सब पूरा हो गया है, देख सकते हैं थोड़ा सा बचा हुआ है, इतने ही सब मेरे को अभी आधा घंटा लग जाएगी कोड़ने में। और बोल दिए हैं हम ऊपर वाला बारी में, पापा लोग आएंगे 1 बजे ड्यूटी करके, तब फिर शाम को कोड़ेंगे फ्रेंड। हालत ख़राब हो गया, सल्फेट भी ख़त्म हो गया, अब लाएँगे वहाँ तब
बिना सल्फेट के इतना सा कोड़ दे रहे हैं। देखिए सब कोई आ गए हैं अपने अपने बारी में, इसीलिए मन लग रहा है, सोचे थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी कोड़ के पूरा के मैं भी घर भाग जाऊंगी। 9:10 भाग जाना। चलिए ब्लॉग में बने रहिए, कोड़ती हूँ फ्रेंड। मेरा वीडियो ज़्यादा ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। देख सकते हैं खेती कैसे करते हैं मक्का का किसान लोग। हेलो फ्रेंड, सो अभी हम सारा मक्का कोड़ लिए और काफ़ी थक गए, अब घर जा रहे हैं। अब धूप भी पूरा अंदर गर्मी दे रहा है, एक बारी किसी तरह पूरा लिए, हमसे अब हिम्मत नहीं हो रहा है कि अगला बारी भी पूरा लें। तो देखिए अभी मम्मी आई मेरी, देखिए इतना बड़ा बारी पूरा दिए हैं हम कोड़ के। पापा लोग तो चले गए थे और देखिए सब कोई आई है, चाची लोग कोड़ने के लिए और बड़े पापा वहाँ चुनमुन लोग। अब मैं घर जा रही हूँ, अब हमसे नहीं होगा जो भी कहे, अब एक बच्चा होगा वो शाम को कोड़ा जाएगा, हमसे नहीं होगा। अब घर की ओर निकलते हैं, चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहेंगे। चलो जाएगी चुनमुन, चलो। सो फ्रेंड, कौन कौन मक्का का खेती लगाते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, कैसे करते हैं हम लोग देख सकते हैं कैसे किए हैं सर, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चुनमुन घर जा रही, चलो कोड़ी ले लो तो बेटा, थोड़ा थक गए हैं, चलो ना। तो अभी भाई आ गया है और अभी चलो चुनमुन, चलो घर पहुँचते हैं। बड़ी माँ सब सब कोड़ ली है, आप नहीं आएंगे हम, ऐबे नहीं करेंगे हम, थक गए हैं। आप ही लोग बताइए, अब माँ लोग ऐसी है कि सुबह से लगो तो जब तक ना पूरे बारी तब तक छोड़ना नहीं है, तो हमसे होता ही नहीं है। जितना देखिए जितना शक्ति है उतना ही भक्ति दिखाना चाहिए, इसीलिए हम ज़्यादा नहीं कर पाए, एक बारी पुराएँ काफ़ी है। अभी बैठ के रोने लगे, हमसे बहुत थकावन हो जाती, इसलिए नहीं सकते हैं। चलिए जितना है तो सुबह सुबह में कर लेते हैं। हाँ तो नहीं रोएंगे, हाँ रो जाते हैं। बिहन भी पूरा रेडी हो गया है, अब बारिश होने की बाकी है। बारिश जहाँ होगी ज़्यादा सल्फेट दिया जाएगा, उसके बाद रोपा हम लोग का स्टार्ट हो जाएगी, फिर रोपना पड़ेगा हम लोग को, है ना। हाँ हम लोग भी रोपेंगे इसी तरह, रोपना पड़ेगा किसी भी तरह, खाने के लिए पेट है तो खेती करना ही पड़ेगा। खेती नहीं कीजिएगा तो दुनिया में कोई खाना नहीं खाएगा, क्योंकि किसान जब तक खेती नहीं करेगी, कोई इतने 5-स्टार होटल में जो खाते हैं लोग जा जा के, वो कहाँ से खाएंगे। जब तक किसान ना उपजाए खेती, तब तक नहीं खाएगा कोई भी। जल्दी से जा रहे हैं फ्रेंड, कहे कि अभी दूध पहुँचाने के लिए आएंगे तो अभी कहाँ रखेंगे, तो वही घर जा रहे हैं। दूध वाली आती है सुबह में पहुँचाने के लिए, तो घर में हम नहीं रहेंगे तो फिर नहीं होगा। चलो, और भूख भी लग गई है ना। मेरा पापा तो डिप्टी गए हैं, तो कहाँ से खाना ला देंगे। फ्रेंड हम अभी घर पहुँच गए हैं अभी, और देख सकते हैं बकरी लोग को खोल दिए हैं। चलो नहा रही लंगू पंगू, चल। सो गाइस देख सकते हैं अभी मेरा 3 गो है खस्सी, काला काला कितना अच्छा है। अभी खोल देते हैं, थोड़ा बहुत सुबह सुबह में चरेगा ये भी, क्योंकि मम्मी माड़ वगैरह पिला के चली गई है, तो अभी थोड़ा सा खोल देते हैं घंटा। घर तो पहुंच गए हैं, चलो अब मैं खाना खाने के लिए जा रहे हैं। फ्रेश होते हैं, थोड़ा पैर हाथ धुला लेते हैं। दतुअन यहाँ पे है, तोड़ लेते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग सखुआ, मतलब सरई। चलो बकरी को दौड़ा दिए इधर खलिहान में, मेरा चर रहा है। अब घर जाती हूँ फ्रेंड, अब घर जाके खाना वगैरह खाना है। देखिए घर के पास ही खोल दिए हैं। तो दोस्तों हम फ्रेश हो गए और मुंह कान धो लिए,
मतलब दतवन करके धो लिए। और देख सकते हैं मक्का कोड़ने का फल, देखिए ये पक गया, यहाँ पानी भर गया, देख सकते हैं। ये जो बीच अंगुली में दिख रहा है ये पूरा फूल गया। जब भी हम कौड़ी पकड़ते हैं फ्रेंड, तब भी मेरा ये सब पानी भर जाती है, देख सकते हैं। अब यही दर्द देने लगेगा दोनों हाथ में, सो इसलिए माँ गए और रोना आने लगा। और अभी खाना बन के रेडी हो गया, देखिए माँ बना दी है। और देखिए मैं बाँट ली हूँ अंडा और सब्जी आलू में डाल के, अब खाने जा रही हूँ फ्रेंड। भूख भी लगी है देख सकते हैं, सुबह बना के फिर चली गई थी, 9:30 बजे हम आ गए फ्रेंड। खाना भी नहीं खाने सके हम, थोड़ी सा ऐसी मन नहीं था, थोड़ा सा खाएं क्योंकि मेरा बकरी उधर बिहीन लगाया हुआ वहाँ चल गया, इसीलिए चाचा बोल रहे। जा रही हूँ फ्रेंड, खाना फाइनली खा लिए। और ब्लॉग को मैं यहीं तक इन करती आई, होप कि हमारा वीडियो आप सभी पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे न्यू होंगे फ्रेंड तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। और अगले नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, टाटा बाय बाय।